राम भाइयों, आज हम लोग आए हैं कुआया गौशाला भ्रमण के लिए। आज राष्ट्रीय गौरक्षक दल की पूरी टीम जिला संयोजक प्रभाकर वर्मा जी के साथ सभी भाई आए हुए हैं गौशाला भ्रमण के लिए। देखिए कैसे देखो भैया, जो सच्चाई हो, जो सही बात हो वो आप बताओ, क्योंकि जो गाय है जो बेजुबान जे तो बताएंगी नहीं, जो हम आप ही को बताना पड़ेगा। खाते हैं, जो हाँ। हम डेढ़ बोरी देनी है। क्या चोकर? ये है दाने की क्वालिटी गौशाला में। क्या बात, कैसे हाल चाल तुम्हारे? तुम कहाँ बैठे हो? हाँ, क्या हुआ? भाइयों बीमार लग रहे हैं पुआया गौशाला में। घायल गौवंश को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। ये गाय बैठी हुई है बिल्कुल। एक परेशानी ये है कि बैठने के बाद ये उठती नहीं है, बहुत ही भयंकर समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना कान्हा गौशाला 60 घन मीटर क्षमता के बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र। हाँ, ट्रायल किया होगा खाली? ट्रायल को नहीं, वो अबे चालू नहीं, वो भैया जय गो माता भैया बताए। प्रभाकर भैया दौड़ के चलिए। दर्शन करने आई है, ये पुआया में स्थित है। 365 वर्ष प्राचीन मंदिर। राष्ट्रीय गौरक्षक दल की पुआया टीम का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय गौरक्षक दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे, और उम्मीद है हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी इस गौ सेवा के कार्य को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करते रहेंगे सबके साथ मिलकर।